रहेगा जो फॉर फ्यूचर किसको बोलते हैं, जो शेयर मान लो जो कॉल सिनेरियो हुआ, जो शेयर होल्डर अगर मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहा उसका एक समय के बाद उसका शेयर को क्या कर दिया जाता है, फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब क्या होता है, उसका नाम रजिस्टर से काट के हटा देना। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ दो बात हो सकता है कि जो शेयर हम लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं, ठीक है, जो शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं फॉरफिटेड कर, वो एट पर है कि एट प्रीमियम पर है। तो पहले इस पर ध्यान दो, अगर एट पर है तो सिंपल एंट्री होगा, शेयर कैपिटल फॉरफिटेड का एंट्री बता रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना कॉल सिनेरियो रहेगा फाइनल कॉल पे एकदम लास्ट में, 500 शेयर 300 शेयर जो भी रहेगा उतना इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मान लो आप फाइनल कॉल नहीं बनाया था, फाइनल कॉल छोड़ के हम लोग उसको वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे 10 रुपया फाइनल कॉल, 2 रुपया नहीं बनाते हैं, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपये से, ठीक है। और अगर 10 का 10 हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। उसका जो जो कॉल सिनेरियो रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मान लो अलॉटमेंट का नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, लास्ट में जो बैलेंस होगा उसको क्या बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। इसको बैलेंस नहीं मतलब जितना पैसा दिया हुआ था ना वो क्या हो जाता है फॉरफिटेड हो जाता, मतलब जब्त हो जाता, वो कंपनी के पास रह जाता, वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया 8 पर का, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसका जिसका कॉल सिनेरियो है और टू फॉर फ्यूचर शेयर। अब देखो प्रीमियम में दो बात है, अगर शेयर अगर मान लो हम लोग जो शेयर फॉरफिटेड कर उसमें प्रीमियम है, तो अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया है, रिसीव हो गया कैसे जानेंगे, तो मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, किस पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम हम लोग का क्या हो गया है रिसीव हो गया, तो डायरेक्ट प्रीमियम को कुछ काम नहीं होगा फॉरफिटेड में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर मतलब यहाँ पर अनपेड मतलब जैसे फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन एक चीज कभी कभी ये भी होता है, देखो ध्यान से, कि अगर प्रीमियम का अमाउंट नोट, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, नोट रिसीव होगा ना, इफ प्रीमियम अमाउंट नोट रिसीव, ठीक है। अगर नोट, अगर प्रीमियम का अमाउंट क्या हुआ रिसीव नहीं हुआ, कैसे जानेंगे, अगर मान लो अलॉटमेंट पे हम लोग कॉल सिनेरियर उसी पर क्या है प्रीमियम भी है, तो अगर कॉल सिनेरियर हो गया तो प्रीमियम का भी पैसा हम लोग को मिला होगा नहीं ना, तो क्या डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में तो उसी को डेबिट करेंगे जितना कॉल सिनेरियर रहेगा इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में देख लेना जितना कॉल अलॉटमेंट पे एरियर रहेगा, अगर प्रीमियम किस पे अलॉटमेंट पे है ना, अलॉटमेंट पे जितना एरियर रहेगा इंटू प्रीमियम का रेट, ठीक है। जैसे मान लो अलॉटमेंट पे है 500 शेयर का, अब फाइनल कॉल पे कितना है 700 शेयर का, तो जब प्रीमियम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 शेयर इंटू प्रीमियम का रेट करेंगे, 700 इंटू नहीं करेंगे, कितना का 500। उसके बाद यहाँ पर जैसे कॉल सीनियर लिखते हैं टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल लिख देंगे यहाँ पर, और टू फॉरफिटेड शेयर। एक प्रीमियम क्लियर हो गया, प्रीमियम हमको फॉरफिटेड में तभी काम होगा, ठीक है, जब हम लोग को नॉट रिसीव रहेगा, तब रिसीव हो गया तो प्रीमियम का कोई काम फॉरफिटेड में नहीं है। इन्हें के पीछे से कोई कान ठोक दिया कि प्रीमियम डेबिट होगा, ठीक है, तो अपना दिमाग लगाना वहां पर होता है, पीछे से कोई बोल दिया नहीं इसमें प्रीमियम डेबिट होगा, और तूने तो बगल लगा उस दिन एग्जाम के दिन भगवान ही समझता है, तो बोले ना ये तो सही बोल रहा होगा। तो देख लेना यहाँ पर एक चीज कि प्रीमियम का अगर नॉट रिसीव्ड है, या तो इस तरह से भी समझ सकता है, प्रीमियम और एरियर एक पर होना चाहिए, जैसे अलॉटमेंट पे एरियर है उसी पर क्या है प्रीमियम है, तभी प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद देखो जो फॉरफिटेड शेयर है वो कंपनी बाद में उसको क्या करता है री इशू, री इशू मतलब दोबारा री इशू करता है, तो तीन तरह से री इशू कर सकता है, एट पर, एट प्रीमियम, या तो एट डिस्काउंट। एट पर लिखेगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम लिखेगा तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट लिखेगा तो डिस्काउंट पे शेयर इशू होता नहीं, डिस्काउंट को कहाँ से मेकअप करेंगे फॉर फ्यूचर शेयर से, क्योंकि हम लोग पैसा जब्त करके रखे है ना। एक चीज देख रहा है इसमें सब में सेकेंड एंट्री है ना, सब में सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री हमेशा होगा, जब से जब भी शेयर री इशू होगा तो फॉरफिटेड में जितना पे, जैसे यहाँ फॉरफिटेड लिखते हैं ना, तो री इशू करने के बाद जितना इसमें बैलेंस बच जाता है री इशू शेयर का हटा के, जो बचता है उसको कहाँ लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में। इसका नरेशन क्या है, इसका नरेशन क्या है, फॉरफिटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका कितना ऑब्जेक्टिव भी तुम लोग को पूछता है कि बैलेंस को कहाँ भेजते हैं, तो बैलेंस को कहाँ भेजते हैं, इसमें क्या है, जो शेयर री इशू हुआ ना, सुन लो ध्यान से, जो शेयर री इशू हुआ उसका फॉरफिटेड बैलेंस में अभी कितना पैसा बचा हुआ है उसको कहाँ भेजा जाता है कैपिटल रिजर्व में। और फॉरफिटेड अगर डिस्काउंट रहेगा तो फॉरफिटेड क्या हो जाएगा डेबिट। और कभी कभी देखो पार्शियली री इशू, पार्शियली री इशू मतलब क्या होता है, फॉरफिटेड किए 500 शेयर, ठीक है, री इशू कितना किए 300 शेयर, फॉरफिटेड कितना किए 500 शेयर, री इशू कितना किए
300 से, तो उसको बोलते हैं पार्शियली रीइश्यू। तो कोई एंट्री में कहीं चेंज नहीं होगा, एंट्री जैसे होता है वैसे होगा, सिर्फ हम लोग का अंतर कहाँ पर आएगा, कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या बोले, यहाँ पर क्या जाता है, जो शेयर रीइश्यू किया उसका फॉरफिटेड बैलेंस में कितना पैसा बचा हुआ है। तो पहले मान लो जो भी हम लोग का फॉरफिटेड रहेगा उसमें निकाल लेना रीइश्यू शेयर का कितना फॉरफिटेड बैलेंस है, तो टोटल फॉरफिटेड जितना रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल शेयर इंटू रीइश्यू इंटू जो आएगा उसमें से जितना फॉरफिटेड यहाँ डेबिट होगा उतना लिखाएगा, डेबिट नहीं होगा तो नील लिख के टोटल का टोटल कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो पूरा लिख लो एक बार अच्छा से।